हाय, वेलकम ऑल ऑन जिम्स ऑर्बिट। हम अब क्लास 11th का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर 1 का पार्ट 4 होगा। चैप्टर 1 में बेसिकली सेट्स हैं, और इसमें हमने तीन पार्ट तक में कवर कर लिया था कि कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह पढ़ लिया था। तो क्योंकि उसका मैंने एक्सरसाइज पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे, तो मैं ये वाले छोटा सा एक पार्ट बनाया हूँ। इसमें एक्सरसाइज 1.4 और एक्सरसाइज 1.5 NCERT का पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जब हम करेंगे तो मैं जो प्रूविंग है, जो प्रैक्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम है, उनका एक पार्ट है वो करके उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर छोटा पार्ट होता है तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन वन करते हैं। इफ़ ए इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बी इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सीधे सीधे सारा जितना भी सेट है उन सबका एलिमेंट रोस्टर फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है। द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो सीधी सी बात है ये 1, 2, 3 एंड सो ऑन जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि नेचुरल नंबर में सभी कुछ आ जाता है, ठीक है। बी सेट करते हैं, ये कह रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर यानी कि 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। सेट सी कह रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, सो इट इज 1, 3, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड डी इज इक्वल्स टू, कलर बदलना चाहिए था, एंड डी इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब यहाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, प्राइम नंबर बोला है तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं रुक कर सकता क्योंकि कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता, बस तीन डॉट लगा के छोड़ दीजिए। चलिए फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या इंटरसेक्शन होगा आप बता सकते हैं मुझे? बिल्कुल आसान है, फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। देखिए कॉमन लेना है, हमें पता है इंटरसेक्शन में मतलब कॉमन होता है, तो ए और बी में क्या क्या कॉमन है, 2, इसमें 4 है, इसमें भी 4 आएगा क्योंकि ये तो 1, 2, 3, 4 की गिनती है, 6 भी आएगा, बेसिकली पूरा का पूरा बी सेट ही रिपीट कर जाएगा, क्योंकि आप देखिए बी एक सबसेट है ए का, समझ रहे हैं आप, बी सबसेट है ए का और प्रॉपर है, प्रॉपर सबसेट है। इसका मतलब यही है कि ये पूरी तरीके से इसके अंदर ओवरलैप्ड है, इसका मतलब बी आ जाएगा आंसर, ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर होगा। ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, देखिए ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, आपको फिर दिख रहा है ए इंटरसेक्शन सी क्या है, वही सेट है 1, 3, 5 इसमें है, कॉमन लेना है तो सी सेट ही आ जाएगा, वो यही सिखाना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। तीसरा पार्ट ए इंटरसेक्शन डी क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है डी सेट आ जाएगा क्योंकि ये सारी गिनतियां ए में हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इफ एक्स इज इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड वाई इज इक्वल्स टू एफ बी डी जी फाइंड एक्स माइनस वाई, एक्स डिफरेंस वाई बेसिकली पढ़ते हैं। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं होता, इसका बस ये मतलब होता है वो वैल्यूज़ जो एक्स में है पर वाई में नहीं है, वो वैल्यूज़ जो एक्स में है पर वाई में नहीं है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो एक्स में है पर वाई में नहीं है, ए बी तो है इसके पास, डी भी है, सी नहीं है, तो ए कॉमा सी, तो वो वैल्यूज जो ए एक्स में पर वाई में नहीं है। सेकेंड है वाई माइनस एक्स, वो वैल्यूज जो वाई में है पर एक्स में नहीं है, तो साफ दिख रहा है हमें वो वैल्यूज हैं एफ और जी, ठीक है। इसके बाद तीसरा करते हैं, तीसरा कह रहा है एक्स इंटरसेक्शन वाई, काफी इजी है, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन बताइए, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कॉमन पार्ट आएगा बी कॉमा टी जो दोनों में, इजी है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये मैंने इसीलिए रखा है कि ये वाला पार्ट अच्छे से आ जाए, फिर हम प्रैक्टिकल बेस्ड जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। आज आपको दो वीडियो मिलेंगे आज ही के दिन में, तो घबराइए मत। क्वेश्चन 3 है, लेट यू इज इक्वल्स टू दिस दिस दिस, ए इज इक्वल्स टू दिस एंड बी इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। हमने पढ़ा था कि ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट यू माइनस ए, है ना, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, वो वैल्यू जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए सेट में नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट होता है।
तो हमें पता है कौन सी ऐसी वैल्यूज है जो यूनिवर्सल सेट में है, 1, 4, 5 और 6, और वो ए सेट में नहीं है। ठीक है, अगला करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, वो वैल्यूज जो यू में है पर बी में नहीं है। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, तो ऐसी वैल्यूज हैं 1, 2 और 6। ठीक है, 3, 4, 5 है बी के पास, तो ये नहीं लिख सकते आप। ठीक है, फिर आ जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आपको, तो ये और इसमें क्या क्या वैल्यूज कॉमन है, 1 और 6, बस यही वैल्यू है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो ए और बी का यूनियन लीजिए, यूनियन में सारी वैल्यूज होती हैं, जो दोनों में वो एक ही बार लिखते हैं, एलसीएम की तरह होता है कुछ। ठीक है, तो ए और बी का कॉमन लेंगे तो आएगा 2, 3, 4 और 5, सही है। अब वो हमसे कह रहा है कि ये भी प्रूव कर दो, जरा होशियार हो तो, कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। देखिए अभी अभी आपने ए यूनियन बी निकाला, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होगा यूनियन यूनिवर्सल सेट, मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं हो जैसे, माइनस ए यूनियन बी सेट, यानी ए यूनियन बी सेट को हटा दे, मतलब वो वैल्यू जो यूनिवर्सल सेट में तो हैं पर ए यूनियन बी सेट में नहीं है, तो वो वैल्यूज़ क्या हैं, यहाँ लिख देते हैं, जो यूनिवर्सल सेट में है पर ए यूनियन बी में नहीं है। देखिए 1 है उसके पास, यहाँ पे नहीं है, और बाकी सब है इसके पास, 6 नहीं है इसके पास। क्या ये और ये इक्वल नहीं आ रहा है, बताइए, यही प्रूव करने को कह रहा था। और ये इसको हम क्या कहते थे, डी मॉर्गन्स लॉ, सही है। तो बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, येट लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ये सारे ट्राइंगल्स जैसे भी बन सकते हैं, ठीक है, सारे का सेट है। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, बेवकूफ बना रहा है, निहायती बेवकूफ, जानते हैं क्यों, वो कह रहा है एक ऐसा ए सेट है जिसके अंदर वो ट्राइंगल्स आएंगे जिनका एक एंगल 60 नहीं है, कम से कम एक एंगल 60 नहीं है। अरे जब एक एंगल 60 नहीं है तो मान लीजिए 70 है, ठीक है, तो बचे हुए दो एंगल क्या 60 हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं, आप सोच के देखिए, नहीं हो सकते ना, वो कुछ और होंगे ना, 60 तो नहीं होंगे ना, यानी कि ये वाले एंगल भी क्या होंगे, दे विल ऑल्सो बी नॉट इक्वल टू 60 डिग्री, ये बात समझ रहे हैं। अरे जब एक एंगल 60 नहीं है तो बचे हुए दोनों 60 नहीं हो सकते ना, बल्कि कोई भी 60 एक हो सकता है, जैसे ऐसा हो सकता है कि एक 70 हो दूसरा 60 हो और ये 50 हो जाए, लेकिन क्या बचे हुए दोनों 60 हो सकते हैं, नहीं। क्यों मैं कह रहा हूँ पता है, क्योंकि फिर आइसोसिलीज ट्राइंगल बन जाता, लेकिन आइसोसिलीज बन ही नहीं सकता, मतलब 60 वाला आइसोसिलीज नहीं बन सकता, आइसोसिलीज तो बन सकता है, माफ़ कीजिएगा, आइसोसिलीज तो बन सकता है, लेकिन वो दोनों 60 वाले आइसोसिलीज नहीं बन सकते, यानी वो दोनों इक्वल हो सकते हैं, जैसे 70 है तो वो 140, 180, 55, 55 हो जाता, लेकिन 60-60 तो नहीं हो सकते ना दोनों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक 60 हो सकता है, लेकिन कुछ भी मिला लीजिए, इसका मतलब ये है कि ये स्केलिन ट्राइंगल ही तो होगा, कुल मिला के स्केलिन ट्राइंगल तो होगा, यानी अगर आप इसको कह रहा है कि क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट, यानी उसका सेट बताओ जिसमें वो ट्राइंगल जिसमें जो फ्लिप ऐसे आते हो जिसमें एक भी 60 नहीं है, समझ रहे हैं बात को, जिसमें एक भी 60 नहीं आ रहा है, 60 है ही नहीं ना इसमें, तो इसका मतलब वो कौन सा सेट होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट होगा, सोच के देखिए क्या लगता है आपको, सही कह रहा हूँ मैं, क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि ए में तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आ ही नहीं सकता कभी भी, आइसोसिलीज आ सकता है, आइसोसिलीज आ सकता है, नो डाउट आ सकता है, स्केलिन आइसोसिलीज और इक्विलेटरल तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं, क्या एक 60 नहीं है, मान लीजिए दूसरा एक 70 है, तो दोनों 55-55 हो नहीं सकते, हो सकते हैं, उस समय मैं गलत बोल गया था जल्दीबाजी में, 60 वाले आइसोसिलीज नहीं हो सकते, लेकिन तो 55-55 तो हो सकता है ना, इसका मतलब ये कुल मिला के ये समझिए कि ये आइसोसिलीज तो हो सकता है, स्केलिन तो है ही, लेकिन कौन सा केस नहीं आएगा कभी भी, इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस नहीं आएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, इफ ए बी एंड सी एंड यू इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, होल नंबर का सेट है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यानी जीरो से शुरू होगा,
तो यू जो सेट है वो जीरो से शुरू होगा, जीरो वन टू एंड सो ऑन, ठीक है। ड्रॉ अ वेन डायग्राम, बस मुझे एक बार ये बनाना था क्योंकि अगले वाले में मैं खूब बनाऊंगा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि अच्छा कर लेते हैं, इसमें ये कह रहा है कि आपको इसको वेन डायग्राम पे प्लॉट करना है। देखिए यूनिवर्सल सेट तो यही हो गया क्योंकि ये पूरा डिब्बा ही होता है यूनिवर्सल सेट। इसके बाद वो कह रहा है ए सेट है 2, 4, 6, 8, 12, 20। तो अगर मैं एक ए सेट बना लूँ, एक बी बना लूँ, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इस डायग्राम को, क्या पता सब ओवरलैप कर रहा है इसलिए, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू ढूंढ रही है जो ए में भी हो, बी में भी हो और सी में भी हो। ऐसी कोई वैल्यू है क्या? 12 है, 15 है, 15 नहीं है, 9, 5, 10, 15, 20। ऐसी कोई वैल्यू ढूंढ रही है सबसे पहले कि कोई तीनों में कॉमन है क्या, 2, 4, 6, 8, 12, 20, 6 है, 10 नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, कोई कॉमन नहीं दिख रही मुझे, तो फिर नहीं हो सकता। तो फिर आपको ये कॉमन नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आप अलग ही फंस गए। अच्छा क्वेश्चन है और मुझे अब इसको बताना पड़ेगा। एक मिनट देखिए, पहले मैं ए सेट बना लेता हूँ, ए और बी सेट देखते हैं, ठीक है। तो ए में देखिए 6 है और बी में ए, इसमें भी 6 है, ए में 6 है और बी में भी 6 है, ठीक है। 12 है, इसमें भी 12 है, तो 6 और 12 दोनों में कॉमन है, तो 6 और 12 दोनों में कॉमन है, सही है। ये हमारा ए सेट हो गया और ग्रीन वाला मैंने बी सेट बोल दिया, ठीक। तो 6 और 12 दोनों में कॉमन है। अब कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो ए में है सिर्फ 2, 4 और 20, 2, 4 और 20, सही है, समझ रहे हैं बात को, 2, 4 और 20 और 8 भी है, ठीक है, सही है। कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो सिर्फ बी सेट में है, 3, 9 और 50, 3, 9 और 50, सही है। 6 और 12 तो दोनों में कॉमन थी, अब समझ गए आप बात को, दोनों में कॉमन थी तो ओवरलैपिंग में बना दिया। ये रेड में है और ग्रीन में भी है, 6 और 12 दोनों में है, इसके ऐसे बनाया। लास्ट बात रह गई कि वो वैल्यूज अब जो बच गई जो सी सेट की है, देखिए सी में 15 भी है और 20 भी है, तो यानी कि ये 15 और ये यहाँ से इसको बस निकल जाएगा, ऐसे बनाना है आपको कि ये यहाँ से ही निकल जाए, समझ रहे हैं, अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने डिलीट किया। देखिए मैं गलती कर रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि आप भी समझें कि क्यों कर रहा हूँ और कैसे सही कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए अगर मैंने इसे ओवरलैप कराया था तो तीनों में कॉमन होना चाहिए था, वो तो था ही नहीं, तो आपने इसे ऐसे पास किया कि ये डॉट से ही पास हो, मतलब इंटरसेक्शन से ही पास हो जाए, जैसे कि उधर जाए ही नहीं, नहीं तो फिर ओवरलैप करा देगा, मतलब 12 भी इसके अंदर आ जाएगा। लॉजिक समझ रहे हैं, बहुत बारीक लॉजिक है। तो 5 और 10 रह गया, क्योंकि 15 और 20 तो पर्पल वाले शेड में आते ही हैं, बात समझ गए। अच्छा नहीं बनाया लेकिन समझ तो गए, ऐसे ही आपको अच्छे गोले बना के बना लेने, ठीक है, तीन अच्छे गोले बना लीजिएगा। बना के दिखा दूं क्या, एक गोला, दो गोला, देखते हैं बना पाता हूँ कि नहीं, तीसरा गोला सही से, बस हो गया, ये यहीं से पास कर गया। देखें अब आप समझ गए कैसे बनाना था। तो देखिए इसमें इसमें कॉमन है, इसमें इसमें कॉमन है, इसमें इसमें कॉमन है, इसमें इसमें 20 कॉमन है, इसमें और इसमें 6 और 12 कॉमन है, इसमें और इसमें 15 कॉमन है, बचे हुए वैल्यूज़ हैं लेकिन कोई आपस में कॉमन नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन मैंने ले लिया, ठीक है, समझ गया आप बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। और एक लास्ट बात मैं कर देता हूँ डिसजॉइंट सेट्स के बारे में, वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डिसजॉइंट सेट बेसिकली वो दो सेट्स होते हैं, मैंने पहले भी बोला था, जिसमें इंटरसेक्शन नल सेट आ जाए, यानी उनका वेन डायग्राम ऐसा होगा, एक ए और एक बी दोनों अलग अलग तरफ होंगे, ठीक है, एक साथ नहीं होंगे, ओवरलैपिंग नहीं होगा कुछ भी, याद रखिएगा, अगले वाले पार्ट में यूज़ करने वाला हूँ, तो नेक्स्ट पार्ट आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा इस पार्ट के बाद, तो आप बड़े आराम से फिर एक्सरसाइज 1.6 भी लगा पाएंगे, ठीक है, आज उतना हो जाएगा तो मुझे लगता है काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। सो या fine, I hope so you have got this. Thanks for watching, and if you like these videos please do share them. If you do not like, you can press the dislike button, okay, and yeah,
We'll see you in the next video. Bye.